नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में बिलिंग सिस्टम के सीरीज का ये हमारा 9 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टॉक फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक फॉर्म से आप बहुत ही आसानी से किसी भी आइटम का स्टॉक निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका डिजाइनिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ फॉर्म्स बनाए हैं, जैसे कि लॉगिन फॉर्म, मेन फॉर्म, परचेस फॉर्म, परचेस लिस्ट फॉर्म, सेल्स फॉर्म और उसके बाद जो है सेल्स लिस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्म ऐड करेंगे जो कि हमारा लास्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करेंगे और ऐड में जाएंगे फॉर्म, उसके बाद यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। और दोस्तों, इसी फॉर्म में जो है हम लोग स्टॉक फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। वापस आते हैं हम लोग परचेस फॉर्म पर और परचेस फॉर्म में यहाँ से हम लोग इन तीनों लेवल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला जो है जय इन्फो बिलिंग सिस्टम, उसके बाद सिंप्लीफाई अकाउंटिंग, उसके बाद परचेस वाउचर एंट्री। इन तीनों को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्म वन पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसको हम लोग सेंटर में कर लेंगे कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से। और इसके बाद जो है इनका हम लोग बैक कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्म का भी बैक कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्रेम ऐड करेंगे। तो वापस आते हैं परचेस फॉर्म पर और यहाँ से हम लोग इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं फॉर्म वन पर और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर के फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो फ्रेम्स है, एक पीछे में है और एक ऊपर में है। तो ऊपर वाले फ्रेम को सिलेक्ट किए और इसके हम लोग कैप्शन में गए, कैप्शन में यहाँ पर दे देंगे परचेस। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्म के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है नो पर क्लिक करेंगे, नो नो नो। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग कैप्शन में जाते हैं, यहाँ पर दे देंगे सेल्स। इसके बाद इन दोनों का साइज हम लोग 12 कर लेंगे शिफ्ट प्लस एरो की सहायता से। और यहाँ पर जो है हम लोग नेम के जगह पर नेम के लेवल को सिलेक्ट करेंगे और इसके हम लोग कैप्शन में दे देंगे प्रोडक्ट नेम। उसके बाद एड्रेस के लेवल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे रेट। उसके बाद अगले में क्वांटिटी और मोबाइल नंबर में हम लोग दे देंगे यहाँ पर सर्च बाय इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट नेम। इसके बाद इसके हम लोग फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट 10 कर लेंगे और ओके कर लेते हैं। इसके बाद इसके ऑटो साइज को हम लोग फॉल्स कर लेंगे और शिफ्ट प्लस एरो की सहायता से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज छोटा कर लेंगे। प्रोडक्ट नेम को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, रेट को नीचे, क्वांटिटी को सबसे नीचे, इस तरह से सजा लिए। तो यहाँ पर हमारा परचेस फ्रेम का डिजाइनिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेल्स का कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसी तरह से दे देंगे सर्च बाय इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट नेम, ऑटो साइज फॉल्स कर लेंगे और फॉन्ट में आते हैं 10 कर लेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कमांड बटन ऐड करेंगे। तो वापस आते हैं परचेस फॉर्म में और यहाँ से हम लोग फाइन को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेंगे, फॉर्म वन पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आ चुका है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और पेस्ट कर लेते हैं। नो पर क्लिक करेंगे, एड्रेस के लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्रोडक्ट नेम। इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर लेंगे और इस लेवल को भी, और यहाँ पर हम लोग इस लेवल में दे देंगे सेल्स क्वांटिटी। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास जो है चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्लास जो है कम्प्लीट हो चुका है।
और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है इसका भी क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। इन सभी ट्यूटोरियल वीडियो को देख करके कोई भी आसानी से स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा सेल्स और उसके बाद जो है परचेस, इन दोनों फ्रेम का डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टॉक फ्रेम का डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है राइट क्लिक करेंगे इस पर और कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। नो पर क्लिक करेंगे, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, रेट की जगह पर कर लेंगे सेल्स रेट और ऊपर के फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसके कैप्शन में यहाँ पर हम लोग दे देंगे स्टॉक। इस लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे केवल सर्च बाई प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं परचेस फॉर्म पर और यहाँ से हम लोग इन सभी बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, वापस आते हैं फॉर्म वन पर और टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। नो, यहाँ पर हमारा बटन्स आ चुके हैं, इनको हम लोग सजा लेते हैं कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से। फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे। क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग कैप्शन में जाएंगे, आइटम लेव, इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेंगे। नो, और इसके हम लोग कैप्शन में जाएंगे, कैप्शन में यहां पर दे देंगे रिफ्रेश लिस्ट कर लेंगे और इसका हम लोग बैक कलर चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा स्टॉक फ्रेम का डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डेटा ग्रिड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे डेटा ग्रिड है, इसको हम लोग ऐड किए हैं। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है राइट क्लिक करेंगे और कॉम्पोनेंट्स में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट एडियो डेटा कंट्रोल को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है डेटा है ये, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एडियो डेटा कंट्रोल 6.0 और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल 6.0। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि चेकआउट करने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग डेटा ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग डेटा ग्रिड को इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक लेबल लेंगे, तो यहाँ से हम लोग लेवल को सिलेक्ट किए, यहाँ पर लेवल ले लेते हैं और इसमें हम लोग कैप्शन दे देंगे स्टॉक लिस्ट। और इसके हम लोग फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट साइज 18 बोल्ड, ओके, और इसका ऑटो साइज 2 कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सेंटर में कर लेंगे और वापस जाते हैं फॉन्ट में और इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके बैक में एक शेप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शेप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद जो है इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे और बैक स्टाइल में हम लोग ओपन क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सेफ जो है बैक में चला गया है। इसके बाद लेवल को सिलेक्ट करेंगे वापस से और लेवल का भी बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप ऊपर में देख पाएंगे कि ये जो फ्रेम्स हैं दो, सेल्स और परचेस, इन दोनों का साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इन सभी फ्रेम का बैक कलर चेंज कर लेंगे।
इसके बाद डेटा ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम लोग बैक कलर चेंज कर लेते हैं। और उसको जो है फोर कलर ब्लैक रहने देते हैं। इसके बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम लोग परचेज वाउचर एंट्री की जगह पर हम लोग यहाँ पर स्टॉक आइटम कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जाते हैं प्रोजेक्ट में, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में और यहाँ से हम लोग फॉर्म वन को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। इसके बाद रन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म रन हो चुका है और यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि ये जो हमारा फ्रेम है ये बहुत ही नीचे चला गया है, तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं और इस डेटा ग्रिड को भी। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, फॉर्म वन पर आते हैं, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद इस तरह से एरो की सहायता से हम लोग ऊपर कर लिए। इसके बाद रन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म रन हो चुका है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा स्टॉक फॉर्म का डिजाइन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।